हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ इजी वे में चाउमीन की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इस चाउमीन की रेसिपी को मैंने सिर्फ दो चीज़ों से बनाया है। टेस्ट तो गजब का है। मैगी जितना टाइम में इस लजीज चाउमीन को आप बना सकते हैं एकदम तुरंत। तो चलिए आइए अब हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें लेना है एक कढ़ाई और उसमें हमें पानी रख देना है गरम होने के लिए। तो पानी गरम हो चुका है तो अब हम ये लेंगे चाउमीन। मैंने पैकेट वाले चाउमीन का यूज किया है। तो अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच ऑयल। ऑयल से क्या होगा, जो चाउमीन है वो चिपकेगी नहीं। इसके लिए हम कुछ सब्जियाँ तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने लिया लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और प्याज, और थोड़ा सा मैंने गाजर लिया है, और पत्ता गोभी और शिमला मिर्च मैंने काट लिया है। तो ये देखिए, चाउमीन भी 2 से 3 मिनट हो चुका है, अच्छे से बॉयल हो चुका है। ज़्यादा देर तक नहीं बॉयल करना है, आप इसे हाथ से चेक कर सकते हैं। तो अच्छे से देखिए गल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे छान लेंगे और इसके ऊपर हमें ठंडा पानी डालना है कि जो हमारी चाउमीन है वो अलग अलग रहे, चिपके ना एक ही में। तो अब हम लेंगे एक फ्राई पैन और उसमें हमें डालना है ऑयल। जब ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो हम इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक। यहाँ पे आप रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करें। तो इसे भी हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, मैक्सिमम हमें 20% ही भूनना है। तो ये देखिए, हम इसमें हरी मिर्चा भी डाल देंगे अगर आप चाहें तो यहाँ पर, और अगर आपको तीखा पसंद है तो ज़्यादा हरी मिर्च का भी यूज कर सकते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे प्याज। हमें सारी सब्जियों को बस 20% ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। तो ये देखिए, अच्छे से प्याज भी गल चुकी है। तो अब हम इसमें डाल देंगे गाजर और फिर हम इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च। थोड़ा सा यहाँ पर लाइट का प्रॉब्लम है तो अच्छे से क्लियर दिख नहीं रहा है। तो अब लास्ट में हमें पत्ता गोभी डालना है, क्योंकि पत्ता गोभी जल्दी गल जाता है, इसलिए पत्ता गोभी को लास्ट में ही ऐड करना है। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से देखिए मिक्स हो चुका है, 20% पक चुका है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे चाउमीन। तो सिर्फ मैंने दो चीज़ों से चाउमीन बना के तैयार किया है, तो आप इसे एकदम तुरंत बना सकते हैं। तो चलिए अब हम बताते हैं आपको दो चीज़ हमने क्या क्या ऐड किया है। तो ये हमने लिया एक चम्मच विनेगर, और ये मैंने लिया है 2 चम्मच डार्क सोया सॉस, और अब हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, और हमें डालना 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, ब्लैक पेपर। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे जो सीक आता है उसे भी आप अच्छे से मिक्स कर लें, या आप कांटे वाले चम्मच से भी अच्छे से इसे मिला सकते हैं। अगर आप स्पैचुला से मिलाएंगे तो जो हमारी चाउमीन है वो टूट जाएगी और अच्छी नहीं दिखेगी। तो ऐसे ही आप मिलाते रहें। तो देखिए, जितना टाइम लगता है मैगी बनाने में उससे भी कम टाइम लगा है चाउमीन बनाने में, और वो भी एकदम बढ़िया सा और एकदम टेस्टी चाउमीन हमारी बनेगी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत इजी रेसिपी है। आप इस तरह से बनाएंगे तो आपको मार्केट से चाउमीन मंगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बार बार इसे बना के घर पर ही खाएँगे और अपने मेहमानों के लिए भी बनाए खिलाएँगे। तो ये देखिए, मैंने एक प्लेट में अब सर्व करेंगे। तो देखिए कितनी बढ़िया सी कलर आ चुकी है और कितनी अच्छी दिख रही है हमारी जो शिमला मिर्च, थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ऐड किया है। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो टमाटो केचप इसके ऊपर से डाल सकते हैं, या ग्रीन चटनी। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 चम्मच टमाटो केचप इसके ऊपर से, ऐसे मिला के आप खा सकते हैं, मैंने डाल दिया है। तो देखिए, हमारी चाउमीन बनके एकदम रेडी हो चुकी है और एकदम अच्छी लग रही है। तो ऐसे ही अगर आपको मेरी रेसिपी की वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ऐसे ही और अमेजिंग वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।